जिस पत्रकार ने 2000 के नोट में चीप निकाला था, वही पत्रकार बड़ी बेशर्मी से आकर के कह रहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई। तो जब नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई, तो ये आतंकवादी कौन हैं, किसके द्वारा भेजे गए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि कैसे पूरी की पूरी बहस को शुरू कहीं और से किया जाता है और आखिर में लाया जाता है चुनावी राजनीति पर। कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते कहते मुसलमान मुर्दाबाद बोलना शुरू कर देते हैं। इस साजिश को समझिएगा, इस साजिश को समझिएगा कि राम और रहीम की दोस्ती की बात करने वाले लोगों को कैसे सेना विरोधी और देश विरोधी साबित किया जाता है। कल मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था तो जिग्नेश हमको बोला कि इतना सब्र कहां से लाते हो। हम बोले कि ये सब्र तो देश की जनता का वरदान है ना, वोट दे करके 5 साल के लिए ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिए हैं, तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री है। तो सुनना तो पड़ेगा कि आखिर फेंका क्या लपेटा क्या, ये जानना तो पड़ेगा। हमको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश है तो मुझे देश विरोधी होने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि देश मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश मतलब देश की आम जनता होती है, और आम जनता के पक्ष में सरकार की विपक्ष में खड़ा होना यह लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है और यह जिम्मेवारी हमने उठाई है। वो क्या कहते हैं कि वो इकट्ठा हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, हम कहते हैं कि आओ गरीबी के खिलाफ एकजुट होते हैं। अरे लुटेरा चोर चोर बेईमान बेईमानी करके जो है लोगों को ठग करके, लोगों के सामने लंबा लंबा फेंक करके, झूठ बोल करके, बगला की तरह गर्दन हिला रहे हो। सच बात क्या है, आइए हमारे साथ, तो कौन तुम्हारे साथ नहीं था। देश की जनता ने आपको देश का वजीर आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। ये तो हिसाब दीजिए कि 5 साल में आपने गरीबी के लिए क्या किया, ये तो हिसाब दीजिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपने क्या किया, ये तो हिसाब दीजिए कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया, ये तो हिसाब दीजिए कि काला धन को वापस लाने के लिए आपने क्या किया। भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा से बाहर है भ्रष्ट है, अजय ही भाजपा में आता है गंगा जल पीते ही पवित्र हो जाता है, ये कैसे संभव है। कल के मंच पे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नीतीश बाबू मन किया कि कैसे बोलता है ये आदमी, कहां से लाता है इतनी बेशर्मी, मैंने बेशर्म भी देख करके शर्मा जाए उसको, क्या अरे मोदी जी आ रहे चलते हैं। टाइम टाइम पे क्या करते हैं, फेंकते हैं कि अच्छा विकास से मन भर गया तो लो राम मंदिर का फुटबॉल थोड़ा इसे खेलो, अच्छा अच्छा राम मंदिर से हो गया मन उब गया तो लो अब जो है भारत पाकिस्तान देते हैं। क्या चल रहा है देश में। अब वो जो है रिंकिया का पापा, वो आजकल जो है आर्मी का सूट पहन करके वोट मांगने के लिए जा रहा है। पीके सिनेमा देखे हैं तो आमिर खान जो है भगवान का फोटो चिपका लेता है कि कोई झापर नहीं मारे।
तो आर्मी का ड्रेस पहन लिया है। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को मारना चाहिए, मारपीट करने में हम भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन साजिश क्या है आप इस बात को समझिए। आते हैं हमारे गप्पू जी और हर भाषण को भारत माता की जय से शुरू करते हैं और भारत माता की जय से खत्म करते हैं। कौन है भारत की माता? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरियल है, यूट्यूब पे है, आप सबके पास मोबाइल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू की लिखी हुई किताब है उस पे आधारित जो सीरियल बना है उसके वीडियो को देखिएगा। उसमें नेहरू एक सभा में पूछ रहे हैं कि कौन है भारत की माता। हम लोग, भारत के लोग ही भारत की माता हैं। यह जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है, यह कैलेंडर में दिखने वाली भारत माता भारत की माता नहीं है। भारत की माता भारत के लोग हैं, और जो भारत के लोग हैं, भारत के जो किसान हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं तो भारत की माता तकलीफ में है। और जिसको भारत का बागडोर सौंपा गया है वो उन किसानों के लिए यदि कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करता है, मतलब वो भारत माता का अपमान कर रहा है। हम भारत माता का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो नौजवानों को कहता है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2 करोड़ नौकरी उनको नहीं देता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। जो कहता है कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा और वो आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचाता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है। भारत माता का अपमान करें आप और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगे मुसलमान से, ये कहां का न्याय है? पुलवामा पे जब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को? खबर आई किसी को? 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है, और खड़ा होकर के झूठ बोलता है देश से। और इस झूठ के आलम में, इस झूठ के माहौल में लोगों को भटकाने के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भारत को उन लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो देश के भीतर हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको वहां अलवा छीनने के लिए लोग बिठाया है, ये हमको बताओ। गृह मंत्री का आपने कोई बयान सुना है? धन्यवाद मोदी जी, आप नहीं होते तो हम बदला नहीं ले पाते। ऐसा लग रहा है कि अभिनंदन पायलट नहीं थे, वो नहीं उड़ा रहे थे मिराज को, मोदी हेलमेट पहन करके गया था उड़ाने के लिए। देश चल नहीं रहा है, एक भाषण अपने मन से दे नहीं सकता है, लिखा हुआ पढ़ता है उसमें भी गलती करता है और झूठ बोलता है, उसको श्रेय दिया जा रहा है कि उसने बदला ले लिया। आप भूल रहे हैं मेरे देशवासियों, ये बदला नहीं ले सकता है, ये बिरयानी जाकर के खा सकता है, ये कभी बदला नहीं लेगा, क्योंकि इसको बदला लेना ही नहीं है। बदला ये कैसे लेगा? बदला लेने के लिए जीव ही जाएगा कि ही इसका दोस्त जो है अदानी, इसको पीछे से चुट्टी काटेगा ऐसे करके, कहां जा रहा है? ज्यादा करोगे चंदा नहीं देंगे, फिर चुनाव कैसे लड़ोगे, हेलीकॉप्टर पे कैसे चढ़ोगे? है हिम्मत? इस देश के आम लोगों से कहता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, सबूत पेश कीजिए। हम कहते हैं सरकार से कि है हिम्मत तो अदानी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है उसको जरा बंद करके हमको दिखा दो। डोभाल का बेटा का जो बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान के साथ, जरा उसको बंद करके हमको दिखा दो। आप लोग इस प्रधानमंत्री को इतना सीरियसली लेते हैं क्या? ये खुद ही अपने आप को इतना सीरियसली लेकर के घूम रहा है। हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री से नहीं देश से प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है
इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं। यह बात मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो आने वाला दौर बहुत कठिन गुजरने वाला है, और वो कठिन दौर हमारे आने वाली पीढ़ियों का ना को ना झेलना पड़े, इसीलिए हमको एकजुट और इकट्ठा होना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं तमाम राजनीतिक दलों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अपना बेटा बेटी को राजनीतिक रूप से सेट करने का प्लान जो है आपको, उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर दीजिएगा सेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री भी प्रचार करें, चुनाव लड़ें, उसे हमको दिक्कत नहीं है। जनता फिर उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना दे, इससे भी हमको दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से विपक्ष का भी कोई नेता राजनीतिक रूप से सेट हो जाए, बाप का विरासत उसको ट्रांसफर हो जाए, वो फिर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गीत, एक मुसलमान का दिया हुआ संगीत, वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। ये हिंदुस्तान है, मन तरपत हरि दर्शन को। आज इस गीत को लिखा एक मुसलमान ने, गाया एक मुसलमान ने, संगीत दिया एक मुसलमान ने, और ये बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये हिंदुस्तान की खासियत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान को धर्म की आग में जलाने वाला अमित शाह के नाम में भी शाह लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि इसके इतिहास को कोई चाह करके भी नहीं मिटा सकता है। और हार तो एक दिन सिकंदर भी गया था ना, मोदी जी हार जाएंगे आप भी एक दिन, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात की है कि अगर ये वक्त लंबा खिंच गया तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं और अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि देश देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों का सवाल सबसे अहम सवाल होता है। राजनीति को पीछे रखिए, झंडा को पीछे रखिए, बैनर को पीछे रखिए, और इस देश में देश हित को लेकर के देश के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इस सवाल पे इकट्ठा होना चाहिए कि यह देश हम सबका है। और जब देश हम सबका है तो हम सबकी बात करने वाला जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारा एजेंडा होना चाहिए कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस एजेंडे पे हमको एकजुट होना चाहिए। उसी एकजुटता के लिए बेगूसराय से चल करके किशनगंज हम आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इस एकता को सुनिश्चित करेंगे और एकजुट होकर के इस देश के भीतर नफरत की सियासत करने वाले, उन्माद की आग में इस देश को जलाने वाली ताकतों को आप परास्त करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।